बी क्वाइट इन बिटवीन, मुझे डिस्टरबेंस होती है। हाँ एटलीस्ट थोड़ा सा पीसफुल इन्वायरमेंट रखा कीजिए ना, ताकि आप ही बोल सके, क्यों बार बार बीच में रिकॉर्डिंग आती है, या फिर मुझे सबको म्यूट कर देने दीजिए। मैं म्यूट इसलिए नहीं करती हूँ सो दैट आई कैन टॉक एंड कन्वर्सेशन हो सके, कि मैं समझ सकूँ कि आप कितना समझ पा रहे हैं। दैट इज द थिंग। ओके नाउ शैल आई स्टार्ट? यू कैन सी इट्स अ यस फिगर मैम, 50.25 जो भी है फिगर नंबर, फोर्थ जनरेशन IUCD, इट्स रिटन फोर्थ जनरेशन। यस मैम, ओके रजिस्ट्रार एंड लिवोजेस्ट्रल IUCD। इसका जो लिवोजेस्ट्रॉल जो मैंने कल पढ़ा रही थी उसी के बारे में हम लोग ये उसको बताएंगे। दैट इज इवन नोन एज माइनेरा, माइनेरा भी हम लोग उसका नाम बोलते हैं, और बहुत सारे उसमें नाम होते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इन जनरल, जितने भी जो फोर्थ जनरेशन के IUCD होंगे उसमें क्या उसकी खासियत होगी और क्या उसका ये होगा। ठीक है, तो इसके जो स्टेम में होता है जो एलएनजी रिलीज करता है, एलएनजी, यू अंडरस्टैंड बाय एलएनजी व्हाट डज इट मीन? लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल। यस्टरडे ओनली आई सेड कि व्हेनेवर आई विल से एलएनजी, वो आप लोग याद रखिएगा कि इसका मतलब होता है लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स जो होते हैं उसी का ये एक काइंड होता है जिसको हम लोग लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल कहते हैं। क्लियर है? यस दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन व्हिच आई एम शोइंग यू, टाइप्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, डोज और कमर्शियल नेम। तो डेसोजेस्ट्रल हो गया, लिवोनॉर्जेस्ट्रल हो गया जिसको हम लोग जो एलएनजी दी थी नॉर्जेस्ट्रॉल बोलते हैं। एक्सक्यूज मी, उसको प्रेस कर देते हैं, प्रेस करने के लिए रख। इरफान भाई पहले म्यूट आप लोग कर बातचीत कर लीजिए। लीजिए, आराम से बातचीत कर लीजिए, बात कर लीजिए आराम से, उसके बाद मैं पढ़ा लेती हूँ। दो में से एक ही काम होगा, नहीं यहाँ तो आप बात कीजिएगा तो मैं बात करूंगी। आई डोंट लाइक सच टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस इन माई क्लास। एक्चुअली मैं कुछ बोल रही हूँ बीच में आप लोग बोलने लगते हैं, कुछ पूछिए तो एक बात समझ में आता है, चाबी ला रहे हैं, नाश्ता करवा रहे हैं, क्या मतलब है? आई हैव सम डिसेंसी की कोई क्लास चल रही है। ज्वाइन करने के लिए मोहम्मद महमूद, म्यूट योर ऑडियो। अब मैं यही मॉनिटर बैठ के करती रहूं आधा घंटा की, किसको मैं ऑडियो म्यूट करूं, किसको नहीं करूं। चले स्टार्ट माई क्लास, आप बोलिएगा तभी मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले आप सोच लीजिए कि यू आर इन द फॉर्म टू लिसन, आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तो बोलिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ, अदरवाइज आई एम आल्सो म्यूट, स्टार्ट कीजिए मैं भी मैम, म्यूट रहती स्टार्ट हूँ। कीजिए मैम, स्टार्ट कीजिए, सॉरी मैम, स्टार्ट कीजिए। आपको बात करनी है बात कीजिए, आपको क्लास छोड़ के जानी है आप चले जाइए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ठीक है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं एटलीस्ट हैव सम डिसेंसी कि उनको तो पढ़ने दीजिए। खुद म्यूट करके तो आप बात कर सकते हैं, एक महीने से आप लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, यू नो हाउ टू म्यूट योर माइक्रोफोन्स, आप अपने माइक्रोफोन्स ऑफ कर दीजिए। कभी बच्चे की आवाज आ रही है, किसी को चाबी चाहिए होता है, किसी को नाश्ता चाहिए होता है, यानी तो फिर आप क्लास के ऑफ चले जाइए ना, फिर आप ऑफ हो जाइए, अटेंडेंस के लिए क्लास करनी जरूरी थोड़ी है।
आई जस्ट वांट टू से द पिन ड्रॉप साइलेंस मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, एक तो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, आवाज लेट से पहुंचती है, उसके बाद बीच में और किसी की आवाज आती है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, तो जो सुन रहा है वो भी क्लियरली नहीं सुन पाता है। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन माई क्लास कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू मे लीव। नो सी अगेन आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, आप देख लीजिए जो डिवाइस होता है वो टी शेप्ड होता है, ऑलरेडी यू नो दैट। These are the types of progesterone which I was talking about. Desogestrel हो गया, levonorgestrel हो गया, norgestrel हो गया। पहले भी मैंने जो OCP shares किया था तो उसमें भी different different type के जो progesterones and आपका जो तीन type का estradiol से use होता है, estrogens use होता है, उसका मैंने आपको combination बताया था। Clear है? And you can see this mute. Screen नहीं दिख रहा है हम लोगों को। Wait, I'm sharing. जी माइट बी सम टेक्निकल फॉल्ट, जस्ट वेट अ मिनट। हमारी स्क्रीन? यस मैम, यस मैम। नाउ यू कैन सी द टाइप्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कंटेन्ड इन मिनी पिल, या मिनी पिल में बता रहे हैं लेकिन इतने ही टाइप्स के आपके प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं जो कि जितने भी स्टेरॉइड्स होंगे जिसमें सिर्फ हम लोग प्रोजेस्टेरॉन्स अगर यूज कर रहे हैं, जैसे IUCDs में भी अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो दीज आर दिस टाइप्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो जो मैं अभी LNG की बात कर रही थी, मैंने कल इसका नाम बताया था कि इसको माइनेरा भी बोलेंगे, इसको लिवोनोनॉर्जेस्ट्रॉल IUS भी बोलते हैं, इंट्रायूट्राइन सिस्टम, उसके बाद LNG20 भी बोलते हैं और लिनोवा भी बोलते हैं, लिवोनोवा बोलते हैं। दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ आपको पता होता है म्यूजी का साइन, अगर मैं आपको बताऊं ड्रॉ करके, अगर मैं बता सकती हूँ तो इफ आई कैन ड्रॉ इट देन आई कैन शो यू कि म्यूजी कैसे लिखते हैं। ऑब्वियसली म्यूजी इस तरह से म्यूजी लिखते हैं, ओके सॉरी जी अच्छा नहीं बना, मतलब म्यू का साइन वैसे ही होता है, विच सिंबलाइजेस वन इन थाउजेंड मिलीग्राम, वन बाई थाउजेंड मिलीग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूजी बोलेंगे, ओके गॉट इट। इट रिलीजेस 20 मिलीग्राम, ओके इट रिलीजेस 20 मिलीग्राम ऑफ LNG पर डे। जब अगर हम लोग इसको LNG 20 को लगाएंगे तो 20 मिलीग्राम आपको पर डे रिलीज करेगा, 52 टोटल कंटेंट जो इसके स्टेम में होता है वो टोटल होता है 52 mg ऑफ LNG। क्लियर? यस मैम। ठीक है, नाउ इन इवोल्यूशन की बात होती है, इसमें भी अगर जब हम लोग ये लगाते हैं IUD लगाती है ये वाली, तो इसमें भी ये होता है आपका एनोवल्यूशन होगा एंड इनसफिशिएंट ल्यूटियल फेज होगा, ल्यूटियल फेज जो होगा वो इनसफिशिएंट होगा। सो इनसफिशिएंट ल्यूटियल फेज एक्टिविटी, ल्यूटियल फेज आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ही ल्यूटियल फेज जाएगा, तो ओव्यूलेशन एक तो एनोवल्यूशन कॉज करेगा, दिस इज द थिंग, एंड सेकेंड थिंग क्या है इसका खासियत ये रहती है कि ल्यूटियल फेज एक्टिविटी is insufficient. Insufficient मतलब वो जितने तरीके luteal phase में progesterone को काम करना चाहिए उतने तरीके से काम नहीं करता है, but that doesn't mean कि जो normally आप कोई एक lady अगर menstruate कर रही है और उसका luteal phase आ रहा है तो उसके progesterone level पे उसके अपने खुद के progesterone level पे कोई difference नहीं आएगा। That was a thing which I was trying to tell you tomorrow. समझ में आ रही है आपको बात? कल मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि जब बॉडी का अपना भी तो प्रोजेस्टेरॉन ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, ये आप लोग सबको मालूम है। क्लियर है? यस मैम, यस मैम। ओके, तो जब बॉडी अपना जब ल्यूटियल फेज जब इनसफिशिएंसी अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है।
हेलो कनेक्शन आ गई वापस? यस मैम आ गए। ठीक है, तो आप समझिए मैं क्या कहना चाह रही थी कि सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल जो होता है वो इंक्रीज नहीं करेगा एट द टाइम ऑफ ल्यूटियल फेज, जस्ट बिकॉज़ कि अगर ये आईयूसीडी अगर प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है तो दैट डजंट मीन, ये मैं कल समझा रही थी, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया सही से? यस मैम। बॉडी जो अपना, ये रिमेम्बर दिस, कि बॉडी का जो अपना प्रोजेस्टेरोन लेवल होगा इट विल नॉट इंक्रीज ड्यू टू द रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम LNG20। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. थर्ड जनरेशन में फायदा ये होता है कि इट रिड्यूसेस, जैसे मैंने कल भी बताया था कि आईयूसीडी से मेनोराजिया होता है, लेकिन थर्ड जनरेशन से क्या होता है कि ये इट रिड्यूसेस मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस, इट आल्सो रिड्यूसेस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जिसको पीआईडी बोलते हैं, उसको भी रिड्यूस करता है। And it is indicated in, it is used for idiopathic menorrhagia. Idiopathic मैंने बताया था, what do you understand by idiopathic? मैंने बताया था जब मैं disinfectants पढ़ा रही थी, I said idiopathic किसको बोलते हैं? सुधर नहीं सकते हैं आप लोग, सुधर ही नहीं सकते हैं। मोहम्मद शमशाद, this is you who are speaking. आप बोल रहे हैं बीच में? नो सीरियसली, अगर मैं किसी की भी अननेसेसरी वॉइस सुनती हूँ मैं उसको हटा दूंगी अपने ग्रुप से, आई एम टेलिंग यू दिस। किसी ने अगर कुछ इनरेलेवेंट बोला तो आई विल रिमूव फ्रॉम द ग्रुप, दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी। इडियोपैथिक किसको बोलते हैं? मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था, दिस इज द रीजन कि मैं इतना ज्यादा वास्ट आप लोगों को एक एक लाइन टर्म बाय टर्म वर्ड बाय वर्ड समझाती हूँ ताकि कभी और ये वर्ड यूज हो आपको समझ में आए कि ये किस लिए यूज हो रहा है। मैम बताइए, से जिसका ओरिजिन नहीं पता हो? पता नहीं, पता नहीं है। ओरिजिन नहीं पता हो तो एडियोपैथिक मेनोराजिया बोल रहे हैं। तो वैसा मेनोराजिया जिसमें हमको रीजन नहीं पता हो किस वजह से इस पेशेंट को मेनोराजिया है, तो इट इज पॉसिबल कि इसमें हम लोग माइनेरा यूज करें या थर्ड जनरेशन आपका LNG20 यूज करें। क्लियर? Now comes on the fourth screen. ये fourth stage पे हम लोग आते हैं। Fourth stage क्या है? Screen share हो रही है? Yes ma'am. Yes ma'am. Fourth generation मैंने कल भी बताया था, दो तीन दिन से बता रही हूँ कि that it is frameless. तो frameless होगा तो आखिरकार वो फिर वो अंदर कैसे जाएगा? उसका मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगी, देख ले बता दूंगी कि उसका वीडियो ऑनलाइन आप कैसे आप देख भी सकते हैं कि हाउ माइनेराइज है, सॉरी फोर्थ जनरेशन इज इंसर्टेड, तो आपको पता चल जाएगा दिस इज द फोर्थ जनरेशन IUDs। इसमें आप देखिए क्या होगा, इफ यू कैन काउंट दैट सिल्वर रिंग्स, यू कैन काउंट दैट सिल्वर रिंग्स, यू कैन काउंट इट 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सिर्फ 6 रिंग्स होते हैं जो कि एक स्प्रिंग में स्ट्रंग होते हैं। एक वो देख रहे हैं ना स्ट्रिंग है, यू कैन सी दैट स्ट्रिंग, एक ब्लू ऐसे स्ट्रिंग है, ऊपर में थोड़ा सा नॉटिंग है और उसके बाद आप सारे 6 कॉपर्स भी देख सकते हैं, वायर देख रहे हैं और विदाउट एनी फ्रेम देख रहे हैं। ठीक है, कल आपने CUTs का भी देखा था कि CUTs कैसे था, या मल्टीलोड 375 कैसा था, उसका पिक्चर्स आप लोगों ने देखा होगा या घर पे रिवाइज किया होगा, तो देन यू हैव सीन, यू कैन सी मल्टीलोड 375 आपको दिख रहा है, ये सारे फ्रेम्स हैं, फ्रेम दिख रहा है इसका 375 का। धागा होता है जिसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं और उसमें ये 6 सिल्वर कॉपर स्लीव्स होता है। क्लियर? मैम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, मैम निखत वो लीव हो गई है नेटवर्क इशू की वजह से, उसको ऐड कर लीजिए प्लीज, बोल रही है। अच्छा कर रही हूँ, एक मिनट।
adding option I can't see. Just wait a minute. हो गई ज्वाइन? ओके नाउ यू कैन सी द सिक्स, देयर आर सिक्स रिंग्स होंगे, जो ये कॉपर रिंग्स होंगे, ये सिक्स कॉपर रिंग्स होंगे, और ये ऊपर यू कैन सी द नॉट, ये नॉट बंधे हुए हैं, ये नॉट लगा रहता है ताकि ये बाहर नहीं निकल सके या पेनिट्रेट यूट्रस में पेनिट्रेट नहीं कर सके, इससे यहाँ पे नॉटिंग होती है. I'll show you the method or I will discuss you, या मैं बाद में आपको भेज दूंगी कि how it is inserted. Or else if I can show you on the YouTube right now. YouTube नहीं होगा अभी. ठीक है, देख लिए. इसको Q-fix भी बोलते हैं या Gynifix भी बोलते हैं. It is known as Q-fix या Gynifix. आप देख सकते हैं Gynifix 200. Okay, name is written over there. और ये जो नायलॉन स्ट्रिंग जो होता है, जिसको हम लोग धागा बोल रहे हैं, ये नायलॉन का बना हुआ होता है. पॉलीप्रोपिलीन थ्रेड दैट इज नॉटेड एट वन एंड. तो ये जो थ्रेड होता है वो पॉलीप्रोपिलीन का होता है. और ये हम लोग जब इंसर्ट करते हैं तो ये नॉट को ही इंडोमेट्रियम में पुश करते हैं, इन द सेंस कि ये जो ऊपर है ना, ये ऊपर वाली जो नॉट है उसको पुश करेंगे एंड दिस विल बी, और ये जो बाकी का स्ट्रिंग है वो सर्विक्स से बाहर होगा, उसको फिर हम लोग कट कर देंगे. ओके, इसका रिमूवल, इसका फायदा ये होता है कि इसका रिमूवल रेट जो आवाज आ रही है अभी. हेलो. यस मैम. बीच बीच में आवाज आ रही है या नहीं आ रही है पता नहीं, मुझे डिस्कनेक्ट शो कर रहा है, दैट्स द रीजन मैंने अपना वीडियो ऑफ कर दिया है अभी. अभी आ रही थी, आप बता रही थी नॉट को पुश करते हैं एंडोमेट्रियम. ओके हाँ, उसको हम लोग अपर जो नॉटिंग साइड है उसको वो फंडस में हम लोग डालेंगे एंडोमेट्रियम की तरफ, कैविटी में वही जाएगा. लोअर रेट ऑफ रिमूवल फॉर ब्लीडिंग और पेन ड्यू टू फ्रेमलेस स्ट्रक्चर. तो इसमें रिमूवल का चांसेस थोड़ा कम होता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फ्रेमलेस होता है. जैसे कि फ्रेमलेस स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि वो एंडोमेट्रियम में लाइनिंग कॉज करता है या थिकनेस कॉज करता है, लेकिन ये जो फ्रेमलेस है तो ये कॉज नहीं करेगा. ठीक है, यूट्रस में जब हम लोग डालेंगे तो एज अ फॉरेन बॉडी यूट्रस में भी तो अपने आप में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा ही. अगर हम लोग कॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई भी चीज, कोई भी फ्रेम यूज कर रहे हैं, तो वो क्या उसमें चेंजेस तो आते हैं, लेकिन वही बता रहे जिसके वजह से एक्सपेंशन रेट हाई होता है, जो मैंने कल बताया था. लेकिन आज क्या है कि वही बता रही हूँ मैं आपको कि डिफरेंस आप थोड़ा समझिए इसमें कि हेलो मैम. नेटवर्क डिस्टर्बेंस है, हमेशा बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है. Now it comes on the mechanism of action. Now see the mechanism of action क्या है, मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ क्या क्या है. सबसे पहले हम लोग बताएंगे mechanism of action, हम सबसे पहले बताएंगे नॉन मेडिकेटेड वाले के बारे में. तो नॉन मेडिकेटेड इसमें कौन सा ये आपका आता है, आयोडीज जो नॉन मेडिकेटेड होता है वो कौन सा होता है? लूप क्या होता है, वो नॉन मेडिकेटेड होता है. ठीक है, तो सी हाउ डज इट वर्क, वो मैंने बताया था आपको कि जनरल रिएक्शन जो बॉडी यूट्रस का जो अपना जनरल रिएक्शन होगा एज अ फॉरेन बॉडी दैट इज एनफ टू किल द स्पर्म. ठीक है, तो वो इसको वो क्योंकि कॉपर तो रिलीज कर नहीं रहा है,
तो वो एज अ फॉरेन बॉडी अगर हम लोग यूट्रस को डाल रहे हैं तो यूट्रस भी उनकी कुछ वो फॉरेन बॉडी तो बनाएगा ना, मैकेनिज्म उसका होगा. जैसे जब इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वो हम लोग एंटीबॉडी और एंटीजन हम लोग उसके बारे में पढ़े हैं. यू हैव स्टडीड अबाउट दैट? यस मैम. तो आपको क्लियर है? तो जब हम लोग यूट्रस में भी कोई एंटीबॉडी अगर डालते हैं हो गया मैम, आवाज नहीं आ रही. इसका क्या ये है? अभी समझ में आया. मैं फॉरेन बॉडी की बात बता रही थी. जैसे लिपिलोप से जो डालते हैं वो सर्पेंटाइल शेप का होता है, इट इज नॉन मेडिकेटेड. तो नॉन मेडिकेटेड होने के वजह से क्या होता है कि यूट्रस अपना फॉरेन बॉडी जब उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो दैट जो भी वो केमिकल प्रोड्यूस करता है दैट इज स्पर्मिसाइड, दैट इज इनफ. वो जो केमिकल वो प्रोड्यूस कर रहा है यूट्रस टू किल द स्पर्म्स, क्योंकि यूट्रस तो इज प्रोड्यूसिंग फॉर दैट आईयूडी जो मैंने लगाया है उसके लिए, वो किल करने के लिए, उसको हटाने के लिए, कि यूट्रस को हार्म ना पहुंचे वो एंटीबॉडी वो अपना बना रहा है. लेकिन वो एंटीबॉडी जब बनती है तो दैट इज एनफ फॉर किलिंग स्पर्म. क्लियर हो गया? यस मैम. ओके, कॉपर वाला मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि जब कॉपर आईयूडीज जो होते हैं जो कॉपर रिलीज करते हैं उनका क्या फंक्शन होगा. अगेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपको रिपीट करके बता दे रही हूँ कि दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू स्टडी इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स. कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आपको बैरियर से अभी मतलब नहीं है क्योंकि आप फार्माकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई यू नीड टू नो मोर अबाउट स्टेरॉइड. उसका मोड ऑफ मैकेनिज्म क्या है और उसका एब्जॉर्प्शन होता है, अगर हम दवा खा रहे हैं तो कहाँ एब्जॉर्ब होगा, कितने दिन तक, उसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है या फार्माडायनेमिक्स क्या है, किस तरह से वो काम करेगा. ठीक है? तो कॉपर आईयूडीज का क्या है? उसका तो इट रिलीज फ्री कॉपर and copper salts. तो जो वो कॉपर सॉल्ट और कॉपर ये जो कॉपर रिलीज करेगा और जो कॉपर सॉल्ट रिलीज करेगा वो क्या करता है, इट इज एनफ फॉर अल्ट्रेशन इन द सर्वाइकल म्यूकस एंड इंडोमेट्रियल सीक्रेशंस. तो इंडोमेट्रियल के अपने जो सीक्रेशंस होते हैं उसको भी वो अल्ट्रेशन करता है और म्यूकस जो होता है म्यूकस सर्वाइकल म्यूकस होता है उसमें भी वो अल्ट्रेशन लाता है. तो जिसकी वजह से क्या होता है, इट इज एनफ टू किल द स्पर्म. और ये क्या करता है, इन केस अगर इम्प्लांटेशन अगर होती है तो उसके इट इज अगेंस्ट फर्टिलिटी, मतलब अगेंस्ट इम्प्लांटेशन. वो ऐसा मीडियम प्रोवाइड नहीं करेगा तो फीटस उसमें इम्प्लांट ही नहीं हो सकता है. समझ में आ गया? यस मैम. एंड प्रोजेस्टेरोन का तो आपको मालूम है कि वो क्या करता है, तो बार बार मैंने पढ़ाया, एक बार फिर भी मैं बता दे रही हूँ आपको. तो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, जैसे ही वो रिलीज करेगा तो इंडोमेट्रियल की जो एक्टिविटी होगी, फॉरेन एक्टिविटी बॉडी का जो होगा एंटीबॉडी, उसको वो इंक्रीज कर देगा. फॉरेन बॉडी रिएक्शन जो होता है यूट्रस के लिए जो होगा तो वो इसको इंक्रीज करेगा प्रोजेस्टेरोन की वजह से, वो और इंक्रीज होगा. एंड सेकेंड थिंग क्या होता है कि ये एट्रॉफी कर देता है. एट्रॉफी मतलब क्या होता है, एट्रॉफी ऑफ यूट्रस कर देता है. एस्ट्रोजन जो होते हैं एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वो क्या करता है कि यूट्रस को थिक एंड थिक करता है, लाइन करता है. प्रोफिलेटरी फेज जो हम लोग पढ़े हैं, प्रोफिलेटरी फेज में क्या होता है, यू अंडरस्टैंड? एनीबडी नोज द आंसर? यस मैम, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को वो थिक कर देता है. थिक कर देता है तो व्हाट ड्यू टू एस्ट्रोजन? एंड फिर उसके ल्यूटियल फेज आ जाता है क्योंकि वो प्रोजेस्टेरोन ज्यादा रिलीज करता है. और ल्यूटियल फेज में आपको पता है कि एस्ट्रोजन ज्यादा रिलीज होता है, सो दैट इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग हो वो थिक हो. क्यों थिक करता है? क्योंकि वो बेबी को या जो इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट जो आते हैं, जो आके इम्प्लांट होगा तो इम्प्लांटेशन के लिए वो उसको रेडी करता है, उसको रेडी करता है. ये चीज तो आपको पता है. यस मैम. यस मैम. तो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, इसमें हम लोग सिर्फ यूज कर रहे हैं आपका प्रोजेस्टेरोन. तो प्रोजेस्टेरोन जब हम यूज कर रहे हैं तो उसके वजह से क्या होता है, यूट्रस की एट्रॉफी हो जाती है. मतलब मायोमेट्रियम की जो होती है वो एट्रॉफी हो जाती है. एट्रॉफी किसको बोलते हैं, किसी भी चीज का अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिक्रीज कर जाना, दैट इज अ मेडिकल टर्म. जो आप फाइनल में आते आते इसको बहुत ज्यादा पढ़िएगा, एट्रेशिया हो गया, एट्रॉफी हो गया, दीज आर द मेडिकल टर्म्स विच यू नीड टू नो. क्लियर है? ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको आना चाहिए, इट शुड बी ऑन टिप ऑफ योर टंग. की एट्रॉफी अगर आपको किसी को बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है. क्लियर?
ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन जो होगा इट कॉजेज इनहिबिशन ऑफ इम्प्लांटेशन, इनहिबिशन मतलब रोकना, इम्प्लांटेशन को रोकेगा और प्लस सर्वाइकल म्यूकस को और ठीक कर देगा, सो दैट स्पर्म पहले वहां पे पहुंचे ही नहीं, इन केस अगर पहुंच के फर्टिलाइज भी हो जाता है तो इम्प्लांटेशन नहीं हो. तो ये हर दो तीन तरीके से ये काम करता है. दैट इज द रीजन ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई सेड यू कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं वो 100% श्योर नहीं होते अनटिल अनलेस आप दो तीन मेथड्स और यूज, अगर साथ में बैरियल मेथड्स अगर यूज कर रहे हैं तभी जाके वो 100% श्योर माना जाता है. प्रेगनेंसी रेट ऑल्दो बहुत कम होती है लेकिन होती है, 0.1% ही होती है लेकिन 0.1% अगर है तो हो सकती है. दैट इज व्हाई इट इज इट हैज बीन सेड दिस. क्लियर? और स्पर्म कैपेसिटेशन, स्पर्म कैपेसिटेशन को कम कर देगा. तो जो मैं टर्म्स बोल रही हूँ यू कैन राइट इट डाउन ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आयोडीज का क्या क्या मोड ऑफ एक्शन होता है या जो मोड ऑफ फंक्शन होता है वो किस तरह से काम करता है. तो एलएनजी का क्या करता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट के टाइम में एलएनजी जो होते हैं, जिसके मेरे बारे में मैं अभी आपको पढ़ा रही थी कि जब वो फॉलिकुलर डेवलपमेंट के टाइम में क्या करता है, फॉलिकल्स को ही सप्रेस कर देता है. तो जब फॉलिकल्स को सप्रेस कर देगा, क्योंकि आप ये दिस इज राइटिंग यू कैन से कि मैम से प्रोजेस्टेरॉन यूज कर रहे हैं तो एनोवुलेशन कैसे होगा. तो प्रोजेस्टेरॉन जब यूज कर रहे हैं तो फोर्थ जनरेशन के जब एलएनजी यूज करते हैं तो वो फॉलिकुलर फेज में जाके फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टॉप कर देता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे ही डेवलपमेंट को स्टॉप कर दे, कभी कभी किसी किसी मंथ वो स्टॉप नहीं कर पाता है. तो यू अल्ट्रासाउंड में आपको दिख जाएगा कि वो फॉलिकुलर एक मंथ इंसर्शन का टाइम मैंने आपको वेरी फर्स्ट टाइम बता दिया था, जिसे मैं आईयूडीज इंट्रोड्यूस कर रही थी कि हम लोगों को कब कब इंसर्ट करना चाहिए. नाउ यू ऑल टेल मी कि हम लोगों को कब कब इंसर्ट करना चाहिए. टुडे आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस. टेल मी. हेलो, व्हेन आईयूसीडीज आर आइडियल टू इंसर्ट, वो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था. यस मैम, कोई पेल्विक इन्फेक्शन नहीं हो, फिर नॉन प्रेगनेंसी को देखेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर वेट अ मिनट वो मैं बता रही हूँ, वो इंडिकेशन है ना कि कब कब आपको पेशेंट को आईओडीज लगाना है या नहीं लगाना है. मैं ये पूछ रही हूँ कि किस वक्त लगाना, व्हेन यू नीड टू इंट्रोड्यूस आईओडीज, किस वक्त हम लोग लगाते हैं, टाइम ऑफ इंसर्शन क्या होना चाहिए. फ्रॉम 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, और डिलीवरी के आफ्टर 40 days के बाद. 40 days के बाद तो इमीडिएट हम लोग क्यों नहीं लगाते, इमीडिएट इसलिए नहीं लगाते क्योंकि यूट्रस का साइज बहुत बड़ा होता है और एक्सपेंशन रेट हाई हो सकता है. ठीक है. यस मैम. एंड पोस्ट अबॉर्शन हम लोग कब लगाते हैं, जब बीएनई डीएनई करते हैं, कब लगाते हैं, इमीडिएटली लगा देते हैं, वो भी 5th डे के बाद ही लगाते हैं. एमटीपी जो होता है कौन से मंथ में